कश्मीर न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। साहब का आने का आज मकसद ये है था कि अपने जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जाए, हालात का जायज़ा लिया जाए, सिचुएशन को रिव्यू किया जाए और हम इसमें और क्या मदद कर सकते हैं फ्रॉम दी हेडक्वार्टर ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ हालात बेहतर लाए जा सके। सर, सर ग्राफ बढ़ रहा है दक्षिणी कश्मीर में और अभी भी दरअंदाजी चल रही है, आज भी LOC पर अभी मुठभेड़ चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जीओसी साहब से रिक्वेस्ट, जहाँ तक LC का सवाल है वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है, एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी और उसको नकारा किया गया है और जो कुछ टेररिस्ट उस इलाके में उनकी खोजबीन हो रही है। सर, जो नए यूथ ज्वाइन कर रहे हैं इमरजेंसी में, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज मैं, DGP, हमारे GOC साहब और IGP यहाँ पर आए थे कि हम कैसे इस नए रिक्रूटमेंट को कम कर सकते हैं। सखी फिरदौस श्रीनगर इकबाल मार्केट टर्मिनल बिल्डिंग जल बस स्टैंड से हूँ और हम आज सुबह सवेरे अपना सारा मार्केट लेके कम से कम हमारे साथ 500-600 आदमी थे, हम आए थे गवर्नर साहब से मिलने के लिए। हम गवर्नर साहब से के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मेरे पास एक जबान ही नहीं है, वो कलिमात ही नहीं है जिन कलिमातों से मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी बात सुनी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उन्होंने हमारी सारी दादरसी सुनी, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम भी ले लिया, जो भी हमारे पास फाइल थी हमने उनके हाउस सुपुर्द कर दिया। वो तो इंशाल्लाह हमें पूरी तरह उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। रहमान मोहम्मद अशरफ मासूम, प्रेसिडेंट इकबाल मार्केट जनरल बस स्टैंड। आज हम सुबह गवर्नर साहब से मिलने के गए थे, यहाँ हमारे साथ तमाम दुकानदारों के अलावा हमारे सब अहदेदार शेख निसार अहमद चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यसीन गुरु साहब और मुश्ताक अहमद साहब, गुलाम कादिर साहब, सब गए थे और हमने गवर्नर साहब से मिले हैं और गवर्नर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं हम कि उसने हमारी बात सुनी और हम शुक्रगुजार हैं उस सिक्योरिटी का जिसने हमें पूरा वहां तक अपना ताउन दिया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पुलिस के भी और जो भी यहाँ सिक्योरिटी है गवर्नर साहब की, हमें बहुत ताउन दिया, अपनी गाड़ी में बिठा कर वहाँ तक हमें पहुँच दिया। हम शुक्रिया करना चाहते हैं गवर्नर साहब को कि हमें अब जल्द से जल्द वो काम करके दिखाए।